जम्मू कश्मीर में एक बार फिर दहशतगर्दों की आमद से नापाक हुआ है। अनंतनाग जिले के कोकरनाग के अहलान इलाके में शनिवार को दहशतगर्दों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा गया कि पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक बहुत ही विशिष्ट इनपुट पर अहलान में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जैसे ही संयुक्त टीम संदिग्ध क्षेत्र की ओर बढ़ी, मौके पर छिपे हुए आतंकवादियों ने संयुक्त दल पर गोलाबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों और सुरक्षा बलों के बीच रुक रुक कर गोलाबारी हो रही है। वहीं सुरक्षा बलों ने इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी कर रखी है ताकि छिपे हुए आतंकवादी भाग न सके। इस बीच जानकारी मिल रही है कि इस गोलाबारी में सेना के दो जवान घायल भी हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों को दहशतगर्दों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्वाइंट टीम सर्च ऑपरेशन में लग गई। इस दौरान आतंकियों ने हमला कर दिया। इससे एक दिन पहले 9 अगस्त को पुलिस ने 4 दहशतगर्दों के स्केच जारी किए थे। इन्हें आखिरी बार कठुआ जिले के मल्हार, बानी और सोजधर के ढोक में देखा गया था। पुलिस ने आतंकवादियों की जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। ये आतंकी कठुआ में हुए सेना के काफिले पर हमले पर शामिल हैं। जम्मू क्षेत्र सुरक्षा बलों द्वारा दशकों पुराने आतंकवाद का सफाई करने के बाद 2005 और 2023 के बीच अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में यहां दहशतगर्दों ने हमलों में वृद्धि देखी गई है। इसमें एक तीर्थयात्री बस पर हमला भी शामिल है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 40 लोग घायल हो गए थे। रियासी, कठुआ और डोडा तक फैले हुए कुछ घातक हमलों को सुरक्षा प्रतिष्ठान ने पाकिस्तानी आकाओं ने जम्मू क्षेत्र में दोहराया और दहशतगर्दों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसी का नतीजा है कि रह रहकर इस तरह की खबरें सामने आती हैं। लेकिन भारतीय सेना इन दहशतगर्दों के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए काफी है, और हर बार दहशतगर्द मुंह की खाकर वापस लौट जाते हैं या फिर जमीन में दफन हो जाते हैं। पाकिस्तान और ISI दहशतगर्दों को भारत में घुसपैठ करने में मदद करते रहते हैं, लेकिन भारतीय सेना उनकी कोशिशों को सफलतापूर्वक नाकाम कर देती है। रिपोर्ट में संकेत मिलता है कि पाकिस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा को पार कर अपनी घुसपैठ में मदद के लिए नागरिकों और मस्जिदों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ISI के साथ मिलकर घुसपैठ की इन कोशिशों में सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है। बावजूद इसके ये दहशतगर्द अपनी नापाक कोशिश में कामयाब नहीं हो पाते और लगातार सीमा पर घुसपैठ की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमारे सेना के जवान इनकी नापाक कोशिश को हमेशा ही नाकामयाब कर देते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।